मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक धर्म के अर्थ को समझना आवश्यक है। अधिकांश लोगों के लिए धर्म एक पारिवारिक परंपरा या सामाजिक लाभ या नैतिक आदतों का विषय है। उनको धर्म के महत्व का कोई बोध नहीं है। जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि वह कौन से धर्म का अनुसरण करता है तो उसने उत्तर दिया, विशेष रूप से तो कोई नहीं, मैं अपनी सुविधा के अनुसार संप्रदाय बदलता रहता हूँ। जो ईश्वर को जीवन की परम आवश्यकता के रूप में नहीं खोज रहे वे धर्म को कभी नहीं समझ सकते। सभी लोग धन के पीछे क्यों दौड़ पड़ते हैं? क्योंकि वे इस विचार के आश्रित हो गए हैं कि सुखी जीवन की जरूरतों की पूर्ति के लिए धन अति आवश्यक है। उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बस वे इसे जानते हैं। तब फिर अधिकतर लोग ईश्वर को जानने की आवश्यकता को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति और विवेक की कमी होती है। जीवन के आरंभ में मैंने देखा कि कुछ प्रश्नों के ईश्वर परक उत्तर और यहाँ तक कि धर्मशास्त्रों के उत्तर भी आत्मा को पूर्ण रूप से कदापि संतुष्ट नहीं कर पाते थे, जब तक कि उनकी सत्यता का बोध ईश्वर संपर्क और उनकी अनुभूति द्वारा न हो जाए। उदाहरण के लिए, जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ और अन्य प्रियजन मुझसे छीने जाने लगे तो मैंने इसका आंतरिक रूप से विद्रोह किया, परंतु कोई भी इसका वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाया जो मुझे संतुष्ट करता। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे स्वयं अपने प्रयास द्वारा इसका उत्तर प्राप्त करना पड़ेगा। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं इसे बिना समझे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसका उत्तर उनसे ही प्राप्त करना चाहूंगा जो सृष्टि के रचयिता हैं। मैंने जीवन के उन रहस्यों को सीधे ईश्वर से प्राप्त किया जिन्हें मैं मंदिरों और दूसरी शिक्षाओं से नहीं पा सका था। यदि धर्म मुझे इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकता कि क्यों कुछ लोग गरीब और क्यों कुछ लोग अमीर, कुछ नेत्रहीन और कुछ स्वस्थ पैदा होते हैं, तो यह किस प्रकार मुझे ईश्वर के न्याय में विश्वास दिलाएगा? भारत के मनीषियों ने, महर्षियों ने, ज्ञानियों ने ईश्वर से संपर्क प्राप्ति की आंतरिक अनुभूति के द्वारा जीवन के रहस्यों का उत्तर प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि हम भी ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। संसार में अनेक प्रकार के धर्म उत्साही हैं और प्रत्येक धर्म में इस विविधता के अंदर अपने अलग अलग रूप हैं। ऐसे लोग हैं जिनका धर्म के प्रति झुकाव पूर्णतः भावनात्मक है, इमोशनल है। जब उनकी भावनाओं को ज़्यादा छेड़ा जाता है तो वे धर्म के प्रति उन्मत्त हो जाते हैं, लेकिन भावनाओं के अत्यधिक प्रदर्शन में व्यक्ति ईश्वर के साथ संपर्क को खो देता है। भावुकता से उत्तेजित हो जाने वाले लोग धर्म में सरगर्मी चाहते हैं। जब आप कोई बौद्धिक स्तर पर व्याख्यान देते हैं तो वे निंद्रा में चले जाते हैं। वे कहते हैं ये बहुत नीरस है, किंतु दूसरों की भावनाओं से खेलना उनके मन के साथ केवल बाजीगरी करना है। यह उनको सत्य अथवा ईश्वर की अनुभूति कराने का तरीका नहीं है। बौद्धिक धर्म अनुरागी विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र या दर्शन शास्त्र के विचारों को सुनकर आनंदित होते हैं। यह सोचकर स्वयं को खुश करता है कि वह भाविक धर्म अनुरागी से ईश्वरीय ज्ञान में अधिक ऊंचाई पर है। परंतु बौद्धिक उत्तेजन भी
केवल एक अन्य प्रकार का नशा ही है, एक अलग प्रकार का मानसिक इंद्रजाल जो जिज्ञासु को वह नहीं देता जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। भावनाओं के अति उत्तेजनाओं से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। धर्म अनुरागी जो किसी मत के साथ बिना सोचे समझे जुड़ जाते हैं, वे प्राय तोते की तरह उसे रट लेते हैं जिसको उन्होंने वास्तव में न तो समझा है और न ही अनुभव किया है। जब आप उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वे आध्यात्मिक विजेता के विश्वास की भांति धर्म शास्त्रों एवं सिद्धांतों का उदाहरण देने लगते हैं। उनके साथ तर्क करना बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि वे पूर्णतः विश्वस्त होते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। सच्चा धर्म आपकी आत्मा की मांगों को संतुष्ट करता है। मताग्रही जो किसी मिशन को मानने वाले हैं, धर्म अवलंबी यह मानते हैं कि यदि आप किसी मार्ग विशेष में विश्वास नहीं करते तो आप बहुत बड़े अभागे हैं। विज्ञान आपको ऐसा नहीं सिखाता, यह अपने पक्ष को सिद्ध करके दिखाता है। और सच्चा धर्म आपकी आत्मा की मांगों को संतुष्ट करता है, केवल शब्दों के द्वारा नहीं अपितु प्रमाण के द्वारा। मैं इतना मताग्रही बनना कदापि नहीं चाहा कि मैं अपने विवेक और सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दूं। जब मैं अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मिला तो उन्होंने कहा, कई शिक्षक तुम्हें विश्वास करने के लिए कहेंगे, उनके बाद वे तुम्हारे तर्क की आँखों को बंद करके तुमसे केवल अपने तर्क का अनुसरण कराने के लिए कहेंगे, किंतु मैं चाहता हूँ तुम अपने तर्क की आँखों को खुला रखो। और इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारी एक और आँख खोल दूँगा, ज्ञान की आँख को। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे ऐसी दीक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी जिसकी सत्यता का मैं स्वयं बोध कर सका। इसलिए मैंने इस मार्ग का अनुसरण किया, क्रिया योग ध्यान की विधि का अनुसरण किया। कोई भी मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। मत आग्रहियों की दूसरी प्रकाष्ठा है उदारवादी, वह सभी का अनुसरण करता है। अपने आप को उदार मानते हुए वह कहता है, सभी आध्यात्मिक मार्ग अच्छे हैं, इसलिए मैं किसी एक मार्ग के साथ स्वयं को बांध कर नहीं रखूँगा। सभी का आदर करते हुए इधर से उधर उड़ती हुई धार्मिक तितली बनने की अपेक्षा एक ही मार्ग से जुड़े रहना उत्तम है। झूठी उदारता और अविवेकी मत आग्रहिता दोनों से बचना चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर केवल विवेक के साथ जुड़े रहना और आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास उनकी जानकारी में रहता है, उनको पता है। फिर भी यदि कोई ईश्वर को पाने के लिए किसी प्रमाणिक वैज्ञानिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता तो उसकी उन्नति की तुलना में एक पुरानी बैलगाड़ी पर सवारी करने से की जा सकती है। सच्चे जिज्ञासु कुछ अनुभूति प्राप्त करेंगे चाहे वे किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, परंतु केवल अंधविश्वास और यंत्रवत प्रार्थना से ईश्वर तक पहुँचने में अनेक जन्म लग सकते हैं। जय गुरु जी।